जी। आलू में अगर टेस्ट होता तो सारे ब्रह्मांड की सब्जी एक ही टेस्ट की बनती। सारा शहर रूपा कचौड़ी वाले के नाम से जानता है। इनसे टॉप की जलेबी आपको कहीं नहीं मिलेगी। जलेबी भी खाएंगे, पोहा भी खाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। रूपा कई कचौड़ी वालों का फूफा। कहे सो बावरे और बिजिया कहे सो क्रूर, या को नाम कमलापति जो रहे नैन भरपूर। और एक नंबर की खस्ता है देखिए। मैं तो 2-3 साल से खा रहा हूँ। 2-3 साल से खा रहे हैं आप? आज खाने आता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा जी, बहुत तो अच्छा नाश्ता है इनका यहाँ पर पूरे क्षेत्र में। तो भाई साहब आज हम हैं मथुरा में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये दुकान है रूपा कचौड़ी वालों की, जो कि काफी फेमस है। आज हम यहाँ की कचौड़ी खाएंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ पर क्या क्या बनता है और यहाँ का कचौड़ी का क्या टेस्ट है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है, यहाँ पर लाइन से लोगों को कचौड़ी दी जा रही है। इसके अलावा और भी दूसरा यहाँ पर जलेबा है, काफी बड़ा होता है जो कि 1 किलो का होता है। इसके अलावा ढोकला और इसके अलावा पापड़ा भी यहाँ पर है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज है जो कि काफी ज्यादा फेमस है। नमस्कार जी। यमुना मैया की जय, राधा रानी की जय। रूपा कचौड़ी आपकी बहुत फेमस है। हाँ सरकार, सब ब्रजवासियों की कृपा है, गुरु जी बिहारी जी की कृपा है। और ये इसके अंदर क्या है? ये आलू का झोल। आलू का झोल? आयुर्वेदिक। अच्छा, इसमें आलू तो नजर आना रहे? आलू में अगर टेस्ट होता तो सारे ब्रह्मांड की सब्जी एक ही टेस्ट की बनती। टेस्ट आलू में नहीं है, टेस्ट मसालों का है। तो इसमें मसाले पड़ते हैं, मिर्च भी पड़ती है? नहीं, लाल मिर्ची बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, लाल मिर्ची बिल्कुल नहीं है। और क्या क्या? अच्छा जी, मेरी बात तो मानो। ये भैया इंतजार करो तुम्हारो, ये भैया इंतजार करो तुम्हारो। 84 करोड़ का दीवाना है पूरा ब्रह्मांड। अच्छा जी, गुजरात वाला आएगा तो उसको गुजराती नाश्ता चाहिए, एमपी वाला आएगा तो उसको एमपी वाला नाश्ता चाहिए। अच्छा, तो इसी वजह से यहाँ पर ढोकला और ये पापड़ा रखा हुआ है। हाँ सरकार, ये सूखी और गीली कचौड़ी का क्या राज है? भुना हुआ मसाला है ये कचौड़ी, आपको एक हफ्ते खराब नहीं होगी। अच्छा जी। हाँ, और सूखी खाओगे तो मजा आएगा, गीली होते ही महा मजा हो जाएगा। अरे वाह। अच्छा जी, नाम क्या है आपका? सारा शहर रूपा कचौड़ी वाले के नाम से जानता है। अच्छा जी। अच्छा, टाइमिंग क्या रहती है अपनी? सुबह 6:30 बजे दर्शन खुलते हैं द्वारका इसके। अच्छा, दर्शन खुलते ही नाश्ता तैयार। अच्छा, लास्ट कब तक रहता है? लास्ट 12 बजे तक तो पूरा जोबन रहता है, 12 बजे बाद फिर जोबन हल्का पड़ता रहता है, एक एक करके आइटम खत्म होते रहते हैं। और ये जलेबी की तो कोई खासियत है आपकी, बता रहे थे आप भैया, जलेबी की खासियत क्या? गाल लाल वाली ले जाओ, ले जाओ। ये आपका जो काम है और भी कहीं करा था? ये हमारे पिताजी का प्रोग्राम था आणंद में। अच्छा जी, यहाँ की अमूल डेयरी है। अच्छा, यहाँ पर कितना समय हो गया आपको? यहाँ विश्राम घाट पर? हाँ जी, विश्राम घाट पर करीब 15 साल से ऊपर हो गया। अच्छा जी, आज जल्दी आगे नहीं है। क्या हुआ? दो पोहा 40। ये जो आयुर्वेदिक झोल है, हाँ जी, झोल को सिर्फ चतुर्वेदी ब्राह्मण ही बना सकता है। अच्छा, और दूसरी कौम नहीं बना सकती। अच्छा जी, मीठी वाली चाहिए, डलवा लेना। तो आपके यहाँ पर कौन कौन सब्जी भी है साथ में? कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी। अच्छा जी, आलू की सूखी सब्जी और ये आलू का झोल, तो ढूंढे नहीं मिले पूरे ब्रह्मांड में। आयुर्वेदिक जितना भी पियो, बॉडी को 4 चांद लगाए। अच्छा, कचौड़ी की क्या खासियत है? आपने बताया था कि सूखी मसाले की है भैया। अच्छा, सूखी में मजा, गीली में महा मजा, कैसे? नहीं, मसाला कचौड़ी के अंदर मसाला इतना है कि सूखी खाओगे तो आनंद आएगा, और सब्जी डलाते ही गीली कराते ही महा आनंद हो जाएगा। दो महाराज, 8 कचौड़ी, दोनों। हाँ,
गुजरात में कौन जगह? गुजरात में कौन जगह थी? आ गया बोलो, कैंप वाले हनुमान की जय। कैंप वाले हनुमान की जय। नाश्ता बराबर छे? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। फाफड़ा केवा छे? अरे टनाटन, गुजरात जेवा छे। मरचा भी टनाटन, मरचा एवा छे अहमदाबाद में नहीं मिलते। बहुत अच्छा है। यहाँ के अलावा आपने पहले भी कहीं खाई होगी जरूर, तो इसके उनके मुकाबले कैसा टेस्ट है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। आलू का झोल बताए, पीते रहो ने, कोई मिर्च नहीं होती इनके आलू के झोल में। अच्छा, मिर्च नहीं होती? भी ऐसी कचौड़ी नहीं मिलेगी इनसे, टॉप की जलेबी आपको कहीं नहीं मिलेगी। बहुत बढ़िया लगा, हम तो नाश्ता करके नहीं आए थे, लग रहा अभी और खाएं। अच्छा, फाफड़ा पहली बार खाया, तो अभी आपने कचौड़ी खाई है, उसके बाद में जलेबी भी खाएंगे? जलेबी भी खाएंगे, पोहा भी खाएंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताइए टेस्ट कैसा है? बहुत चटपटा, गरम भी है, और जो देने वाला है उसका चेहरा दिखकर तो वैसे ही हम खुश हुए। अच्छा, जितना ज्यादा टेस्ट इसमें उससे ज्यादा बातों में, मजा बांटने वाले में। अच्छा, अच्छा आप बताइए, आप कैसा लगा टेस्ट आपको? तो अच्छा है, बढ़ गया। मुझे बुला लेना, चैलेंज है। अच्छा, नहीं लस्सी पिएगा? लस्सी रूपा, कई कचौड़ी वालों का फूफा, सारे कचौड़ी वाले सिटी के इसके मारे घबराते हैं। अच्छा जी, हाँ अच्छे। और इसको ना कोई ग्राहक बुलाने की जरूरत है, ठाकुर जी इसके पास ग्राहक भेजता है, ठाकुर जी कृपा से इसका नाम चल रहा है। कहें सो बावरे और बिजिया कहें सो क्रूर, या को नाम कमलापति जो रहे नैन भरपूर। तो यहाँ पर देसी घी है, और देसी घी में आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ये जलेबा बन रहा है, जो कि यहाँ का ये फेमस है रूपा कचौड़ी वालों के यहाँ का। क्या बेहतरीन बनाया भाई, जलेबी देखी होगी आपने, इतना बड़ा जलेबा नहीं देखा होगा। और यहाँ पर साइड से भी और डेकोरेशन की जा रही है। लो जी, अब बना बढ़िया तरीके से। तो ये साहब घी है या डालडा है क्या? देसी घी प्यारे, और वो भी जय बिहारी जी की, आजा प्यारे आजा। ये देसी घी नंबर वन क्वालिटी का पोता ब्रांड। अच्छा, हाँ। कन्हैया ने कृष्ण को मार के जब थक गए वो, तो यही विश्राम किया था उन्होंने, इसलिए इसका नाम विश्राम घाट पड़ा। भाई साहब, यहाँ पर रूपा कचौड़ी वालों के यहाँ पर अब बन रही है ये पूड़ी, और पूड़ी बेली जा रही है, उसके बाद में यहाँ पर तेल में तली जाएंगी। तेल काफी खोल चुका है। नहीं, रिफाइंड वाली पूड़ी 30 रुपए में चार, और 3 तरह की सब्जियाँ साथ में। अच्छा, रिफाइंड वाली पूड़ी 30 रुपए में चार, 30 रुपए में 3 तरह की सब्जियाँ साथ में, 3 तरह की। देसी घी वाली पूड़ी 50 में चार सब्जियाँ साथ में। क्या बात है। टेस्ट जो है यहाँ का रूपा कचौड़ी वालों का कैसा लगा? और भी कहीं खाई? बेस्ट है, बेस्ट, राधे राधे, बहुत अच्छा। कहाँ से आए हो आप? स्पेशली। तो भाई साहब, यहाँ पर पूड़ी को तेल में डाल दिया गया, अच्छे तरीके से तला जा रहा है, और बढ़िया तरीके से इनको फुला दिया गया है। लो जी, ये जलेबा दोनों तरफ से अच्छे तरीके से सिक चुका है, उसके बाद जाएगा ये बखर में। एक बार थोड़ा उठाना, और यहाँ पर ये सिकने के बाद बखर में आ चुका है, काफी बड़ा जलेबा भाई साहब। तो ये महाराज, ये जलेबा कितना वजन का होता है? 1 किलो का होगा, 1 किलो का है, 1 किलो वजन है इसका। तो भाई साहब, यहाँ पर ये जलेबा बन चुका है 1 किलो का। लो भाई साहब, बन रही है कचौड़ी, रूपा कचौड़ी वालों की यहाँ की कचौड़ी बन रही है, जो कि काफी फेमस है। कितना हुआ? 9:30 इसी मंदिर के अंदर, एक चतुर बिहारी का मंदिर, उस मंदिर के आंगन में एक वृक्ष में गणेश जी के दर्शन होंगे, चमत्कार देखने को मिलेगा, कहेगा कि हाँ कन्हैया मिल गया मुझे। पूरे मंदिर परिसर में एक बल्ब की फिटिंग भी देखने को नहीं मिलेगी,
कोई एसी कूलर पंखा ढूंढे नहीं मिलेगा, ठीक है। दिए जलते हुए मिलेंगे, हाथ के पंखे चलते हुए मिलेंगे, मंदिर से निकलने का मन ही नहीं करेगा। ये मन करेगा कि आप मुझे मुरादाबाद नहीं जाना है, कन्हैया मिल गया मुझे, बगैर पैसे के ऐसा प्रसाद मिल रहा है जिसको देवता तरस रहा है। यही तेरे गलत की हो, अबे करतो रहे, तीन चार दिन दर्द मारे को, तीन चार दिन बाद फिर दर्द नहीं मारे को। छोटी जलेबी भी ऐसी जलेबी आपको हर शॉप पर नहीं मिलेगी। अच्छा हाँ, इतनी छोटी जलेबी आपको, इसीलिए लाइन लगी रहती है आपके यहाँ। छोटी जलेबी में छोटा मजा और बड़ी जलेबी में बड़ा मजा। वाह वाह, क्या बात है। भाई साहब यहाँ पर ये जलेबी बन चुकी है और यहाँ पर अब ये बखर में डाली जा चुकी है। और ये बन रहा है फिर से बड़ा सा जलेबा जो कि होता है 1 किलो का और देसी घी में। लो जी, रूपा कचौड़ी वाले की खस्ता कचौड़ी बन करके बिल्कुल तैयार हैं। कचौड़ी जरा आई है, खाना है कचौड़ी तो बहुत जोर को वो ले जा बच्चा को। ये बहुत एक नंबर की खस्ता है, देखिए बिना दांत वाला भी इसको ऐसे ही खा जाएगा, बिल्कुल पोची पोची करेगा। अच्छा जी, एक नंबर की दुकान चल रही है, ये हमारा रूपा भाई है मथुरा वाला। अच्छा जी, रूपा की खाओगे तो कचौड़ी और जियोगे 80। अरे बहुत बढ़िया कचौड़ी है, खस्ता गर्मा गर्म कचौड़ी है। तो यहाँ की जो कचौड़ी है इतनी ज्यादा फेमस क्यों है? ये कचौड़ी यहाँ की फेमस जो है, भगवान कृष्ण के समय से कचौड़ी जलेबी का नाश्ता होता हुआ आया है जी। मथुरा के चतुर्वेदी भाई, उनके हाथ में कचौड़ी तो है जो है, और जो साग बनाते हैं उस साग की लाग है। अच्छा, वो साग ऐसा है कि उसको धोने को पी लो जी और पेट का ऐसा आजमा आजम कर देता है वो साग। अच्छा जी, तुमको जो है पेट में कोई भी कब्ज हो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अरे वाह, तो ये जो रूपा कचौड़ी वालों की कचौड़ी है और लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा फेमस है, इसकी क्या वजह? हाँ जी, विश्रांत घाट इस एरिया में एक नंबर की दुकान। अच्छा, रूपा भाई कचौड़ी वाला। अच्छा, और रीजनेबल रेट। अच्छा जी, रेट भी इसके रीजनेबल है। एक कचौड़ी खाइए और तीन दोना साथ पीजिए। अच्छा, साथ पिलाने के लिए रूपा भाई कभी मना नहीं करेगा, जितना साथ पीना हो पियो। जैसे पानी की प्याऊ होती है ऐसे साग की प्याऊ है रूपा भाई का, और इसके हाथ की लाग है। इसके पिताजी भी कचौड़ी बेचते थे और बाबा भी कचौड़ी बेचते थे और आज ये भी कचौड़ी बेच रहा है और इसका बच्चा भी इसी लेन में आ गया। तो भाई साहब आप कहाँ से हैं? मैं मथुरा से लोकल हूँ। अच्छा, लोकल से ही हो? हाँ जी। तो ये आप कचौड़ी खा रहे हैं रूपा कचौड़ी वालों की? हाँ जी। कब से खा रहे हैं? मैं तो 2-3 साल से खा रहा हूँ। 2-3 साल से खा रहे हैं आप? आज दिन खाने आता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा जी, बहुत तो अच्छा नाश्ता है इनका, यहाँ पे पूरे क्षेत्र में कहीं इनका नहीं है। अच्छा, जिन जैसा इनका वैसा पूरे क्षेत्र में कहीं नहीं है? कहीं नहीं है पूरे क्षेत्र में, यहाँ से लेकर चौक बाजार से होली गेट तक कहीं पे कोई नाश्ता इतना बढ़िया नहीं जो नाश्ता यहाँ का है। अच्छा जी, मैं आता हूँ, मेरी फैमिली आती है और मैं मिलने वालों को भी यहाँ लाता हूँ। जयपुर से आए आप? तो पहली बार खा रहे हैं कचौड़ी यहाँ की? यूट्यूब पर देख के खा रहे हैं। कैसा टेस्ट है बताइए? बढ़िया है ना? आप बताइए। पानी डलवाइए, पानी को जरा चाय की तरह घूंट लगाइए, आप जब पी जाएगा जी। तो बता सकती हैं आप कैसा टेस्ट है? टेस्ट कैसा है इनकी कचौड़ी का आप बता सकते? तो महाराज ने ले लिया है यहाँ का सबसे फेमस जो है जलेबा, तो महाराज खा करके बताएंगे टेस्ट कैसा है इसका। यहाँ
यहाँ जो टेस्ट मिलता है वो भैया कहीं भी टेस्ट नहीं है। हम हर जगह घूमते हैं लेकिन जो हमारी मथुरा में जो यहाँ केसर का टेस्ट आता है वो टेस्ट कहीं भी नहीं है, जबकि जलेबी बहुत जगह मिलती है। यार जो यहाँ मजा है खाने का कहीं भी पूरे भारत में कहीं ऐसा खाने का मजा नहीं है जो यहाँ कचौड़ी जलेबी बेड़ी। तो रूपा कचौड़ी वालों के यहाँ का आपको क्या जलेबा पसंद है ज्यादा? वैसे तो जो हर चीज पसंद है लेकिन यहाँ का जो है जलेबा भी दिखाना जरा भैया। यहाँ पर महाराज ने ले रखा पूरा बड़ा सा जलेबा जो कि बहुत ज्यादा फेमस है यहाँ का जलेबा कचौड़ी के साथ साथ। और कहीं भी ऐसा जलेबा नहीं मिलेगा इतना टेस्टी। आनंद आ गया खाने के बाद में एक बार जो है अंदर सा संजो पता पड़े ऐसा जलेबा जो है।